आते 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 हैं, 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 से 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 मालपुरा विजयनगर ऐसी जयपुर है, दो दो तीन तीन डेली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडिया नंबर वन इमर्जिंग स्कूल जहाँ है अकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन एडमिशन ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू नाइन्थ अजमेर के आशागंज के निरंकारी भवन के पास से एक सूचना आई थी कि भीलवाड़ा इलाके के कुछ लोग यहाँ पर बागड़ी समाज का यहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर दर्शन के लिए आए थे ऐसी सूचना क्लॉक टावर थाना पुलिस को आ, मिली थी और सूचना के बाद में पुलिस यहाँ पर पहुंची है सूचना आस पड़ोस के जो लोग हैं उन्होंने ये भी दी है कि यहाँ पर भीलवाड़ा और विजयनगर के जो लोग हैं वो यहाँ पर बहुत संख्या के अंदर पिछले आ, एक हफ्ते में कोरोना वायरस की जब से घटना चल रही है उस दौरान और उससे पहले यहाँ पर काफ़ी संख्या में आते थे बागड़ी समाज का यहाँ पर मंदिर है और ये जो इलाके हैं जिसमें भीलवाड़ा और विजयनगर इसके आसपास का जो इलाका है यहाँ के लोग जो बागड़ी समाज के लोग हैं वो इस मंदिर पर दर्शन करने के लिए आते हैं साल में एक बार इस समाज के अंदर मान्यता ऐसी है कि एक बार यहाँ पर मंदिर के अंदर आते हैं ढोक देने के लिए आते हैं यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है लेकिन जैसे ही यहाँ के आस पड़ोस के लोगों को मालूम पड़ा है कि बागड़ी समाज के जो लोग हैं वो भिलवाड़ा के लोग यहाँ पर मौजूद थे और मौजूद होने के बाद में जो सूचना पुलिस को दी गई तो सूचना जब आस पड़ोस से पूछताछ की गई तो ये जानकारी सामने आई है कि ये घटना 19 तारीख की बताई जा रही है कि 19 तारीख को कुछ लोग भिलवाड़ा से पाँच से छः लोग बताए जा रहे हैं वो यहाँ पर आए थे बागड़ी समाज के मंदिर में आए थे और यहाँ पर पूजा अर्चना उन्होंने की थी लेकिन पुलिस की ओर से जो हमारी बातचीत हुई है उस बातचीत में हमको बताया गया है कि यहाँ पर 19 तारीख को चार से पाँच लोग भीलवाड़ा से आए थे और 19 तारीख को ही वो यहाँ से चले गए थे और इसके साथ में टावर थाना पुलिस ने मेडिकल टीम को बुला लिया है और उसके साथ में मेडिकल टीम ने यहाँ पर आकर अब सर्वे की तैयारी भी कर कार्रवाई भी शुरू कर दी है और उसके साथ पुलिस ने जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं उनको सख्त पाबंद कर दिया है कि यहाँ पर आ, शहर के साथ साथ दूसरे शहरों का कोई भी शख्स किसी भी हालत में नहीं आना चाहिए और अगर कोई यहाँ पर मंदिर में पूजा अर्चना करने आ, आता है तो उसकी सूचना तुरंत प्रभाव से क्लॉक टावर थाना पुलिस को दी जाए मेडिकल टीम अपने स्तर पर अब यहाँ के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ का सर्वे भी कर रही है उस सर्वे के अंदर अभी तक फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिससे शहरवासियों को पैनिक होना पड़े अभी जो हालात हैं वो कंट्रोल में है प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैदी में लगा हुआ है और क्लॉक टावर थाना पुलिस ने यह अपील भी शहरवासियों से की है कि, कि किसी भी प्रकार से किसी भी मंदिर में इस वक्त नहीं जाना है सबको अपने घर के ऊपर ही पूजा घर में ही पूजा अर्चना करनी है पांगड़ समाज के लोगों से भी पुलिस की यह अपील है कि यहाँ पर मंदिर उनको नहीं आना है किसी प्रकार से भी जब कोरोना महामारी से के संकट से हम निकल जाएंगे उसके बाद जिसको भी जहाँ जाना है वो जा सकता है लेकिन इस महामारी के अंदर पुलिस प्रशासन का सहयोग किया जाए उसके साथ साथ सख्त पाबंदी यहाँ पर लगा दी गई है आस पड़ोस के जो लोग हैं इस मंदिर के आ, पास में जो निरंकारी भवन है आशागंज इलाके के अंदर यह बताया जाता है यहाँ पर स्पष्ट तौर तो पर कह दिया गया है कि, कि किसी भी शख्स को यहाँ पर आना अलाउड नहीं है और ना ही कोई आना चाहिए क्योंकि पूरे शहर में प्रदेश के अंदर धारा एक लगी है उसकी कड़ाई से पालना करनी है लॉकडाउन की कड़ाई से पालना करनी है आज दिन में सूचना मिली थी कि निरंकारी भवन के सामने जो बागड़ी मोहल्ला है वहाँ पर कुछ लोग जो आए हुए हैं वो भिलवाड़ा ज़िले से संबंध रखते हैं इस पर हम मौके पे गए मालूम की तो वहाँ पता चला कि बागड़ी समाज के देवी देवताओं के वहाँ मंदिर है। हैं छोटे छोटे पुराने मंदिर हैं जहाँ पर भीलवाड़ा विजयनगर और भी कई अलग अलग शहरों से लोग आते हैं तो पिछली उन्नीस तारीख को बता रहे हैं कि बिलवाड़ा से पाँच छः लोग आए थे जो दर्शन करके वापस लौट गए थे वर्तमान में वहाँ पर बिलवाड़ा निवासी कोई नहीं था इस संबंध में हमने जो मोहल्ले वालों को पाबंद किया है कि किसी भी प्रकार के दर्शन वगैरह अभी नहीं होंगे और अन्य कोई व्यक्ति आए तो भी उसे रवाना कर दें और भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के आसपास से कोई आए तो हमें ज़रूर सूचना दें पूर्व में जो लोग भीलवाड़ा आके चले गए हैं भीलवाड़ा के जो लोग आके चले गए हैं उनके संबंध में हमने चिकित्सा विभाग को सूचना दे दी है और टेलीफोन भी कर दिया था मौके से और उनको अलग से तहरीर भी जारी करवा दी है जिससे कि वो वहाँ के चेक कर लें कि ऐसा कोई इन्फेक्शन वगैरह या कोई ऐसे सिम्टम्स किसी में दूसरे व्यक्तियों में तो नहीं है नमस्कार मैं हूं अमिताभ बच्चन देखिए हम सब मिलकर नोवल कोरोना वायरस या कोविड नाइन्टीन को फैलने से रोक सकते हैं इसके लिए हमें बचाव के कुछ तरीके अपनाने होंगे खांसते या छींकते समय हमेशा अपने मुंह को रूमाल से या टिश्यू से ढकें इस्तेमाल किए हुए टिश्यू को तुरंत ढक्कनदार कचरे के डब्बे में डाल दें अपनी आंख नाक और मुंह को हाथ से न छुए आप अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से लगभग 20 सेकंड तक धोए भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से बचें। अगर आपको खांसी बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो आप दूसरों से दूरी बनाए रखें ऐसे लक्षण देखने पर तुरंत, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें अस्पताल में आप अपने मुंह पर मास्क या रूमाल जरूर रखें अधिक जानकारी के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की एक हेल्पलाइन है शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छ अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद कीजिए